देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा जातिगत टिप्पणी करने से पूरे महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज नागपुर में भी भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर एवं ग्रामीण द्वारा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए की उपस्थिति में आंदोलन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी पर जातिगत वक्तव्य क्या है? कांग्रेस पार्टी तेली समाज विरोधक पार्टी होने की बात कहते हुए आज भाजपा के साथ साथ तेली समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ओबीसी समाज का अपमान करते हैं, ऐसा चंद्रशेखर बावनकुए द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही वे बोले कि कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया है, 60% ओबीसी लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले जो ओबीसी नेता हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके नेता ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये राहुल गांधी विरुद्ध आंदोलन सुरू झाला आहे। इटालियन परिवारात जन्म घेतलेला राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा ओबीसीचा अपमान केला आहे। राहुल गांधी वारंवार मोदीजी आणि ओबीसीचा अपमान करतात आणि या अपमानाकरता संपूर्ण भारत देश ओबीसी समाज आज रस्त्यावर आहे। राहुल गांधी की मूर्खपणा बघा की ज्या काँग्रेसने कधी ओबीसीना मान दिला नाही, सन्मान दिला नाही, आरक्षण दिला नाही। 1980 सालीच मंडल आयोगाचा रिपोर्ट आला, पण काँग्रेस पार्टीने ओबीसीला आरक्षण दिलं नाही। व्हीपी सिंगांनी आरक्षण दिलं, मंडल आयोगाचा रिपोर्ट लागू केला, भारतीय जनता पार्टीने समर्थन केलं। आणि बघा, राहुल गांधी इतके मूर्ख आहेत की त्यांना जेव्हा गुजरातमध्ये सुद्धा ओबीसी आरक्षण लागू झाला तेव्हा मोदीजी नव्हते, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नव्हते। खरं तर या इटालियन राहुल गांधींना ओबीसीचा अपमान करण्याप्रसंगी लोक धडा शिकवतीलच। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी 60% जनता या देशाची धडा शिकवेल, पण मला या ठिकाणी नाना पटोलेंचा राजीनामा मागायचा आहे, मला विजय वडेट्टीवारचा राजीनामा मागायचा आहे। ओबीसीचे नेते म्हणून घेतात, त्यांचा नेता ओबीसीचा अपमान करतो आणि हे ओबीसीच्या गोष्टी करतात नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार। हे इटालियन घरी जन्म घेतलेलं इटलीतलं पार्सल देशारीमध्ये येऊन ओबीसीचा अपमान करतात। ओबीसी समाज आता कधीही अपमान सहन करणार नाही। खरं तर हा संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देश पेटून उठलेला आहे, आम्ही यांना सोडणार नाही। इटली में जन्मा ये इटालियन पार्सल भारत में ओबीसी का अपमान कर रहा है, ओबीसी समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा कहते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के बैनर पर चप्पल मारकर जमकर नारेबाजी करते हुए असंतोष व्यक्त किया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए, विधायक टेकचंद सावरकर, विधायक कृष्णा खोपड़े, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुधाकर कोड़े, भाजपा नेता आशीष देशमुख समेत महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।